कर रहे हो? प्रॉब्लम नहीं है, कार्रवाई दो दिन के अंदर अंदर इन्होंने नहीं किया, उसके बाद हम खुद कार्रवाई करेंगे। पब्लिक दबाने के लिए नहीं है, पब्लिक किसी पर हटा नहीं रही है। मुलाजमों को हटाओ, अभी हम किश्तवाड़ के नागनी इलाके में हैं, जहाँ पे आज यहाँ के आवाम ने जो है प्रोटेस्ट किया था पीएचडी डिपार्टमेंट के खिलाफ। तो आइए हम यहाँ के सरपंच से ही जानते हैं कि किस बात का ये प्रोटेस्ट था और यहाँ के एग्जाम जब मौके पे पहुँचे थे उनसे उनकी क्या बात हुई। सर आपका स्वागत है मेरे डायलॉग में। सर आपका थैंक यू सर। ये सर मैंने एक प्रोजेक्ट यहाँ पे सेंशन करवाया था, उसके पीछे में बहुत देर से पीछे था, लगभग एक करोड़ का प्रोजेक्ट सेंशन हो गया था, उसमें 80-85% काम भी हो गया है। मैंने बहुत बार इनको एक्शन साहब के पास गया, मीटिंग की, बहुत मीटिंग की, यहाँ पे हमारा एक सामना हो नाली का, ये म्यूचुअल प्रोजेक्ट है जिसमें कि पुराना हो जो नाली वाला है उसको मैं 2 साल से उनके पीछे पड़ा था कि इसके चंबर लगा दो, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक करो, कुछ करो, सारा कुछ करके डस्ट से मस से हुआ डिपार्टमेंट को। आज तक की क्या क्या है इनका, कैसे क्या है, कितने भी मेरे ख्याल में लाखों के हिसाब से इन्होंने स्टाफ लगाए वहाँ पे, मगर 10,000 का चंबर इन्होंने नहीं लगा सके। फिर मैंने अपनी जाती पे चंबर बना के वहाँ पे रखा, 1.5 साल से वहाँ पे पड़ा है। फिर इन्होंने टेंडर निकाला, टेंडर में बोलने लगे कि इसका कि आर एन एम बोलते हैं हम, आर एन एम में रखा है। फिर मैंने बोला इनको चलो यार उसका जॉब ऑर्डर बनाओ, जॉब ऑर्डर भी बना के दिया, सारा कुछ करके दिया, फिर भी ठेकेदार ने वो चैम्बर नहीं लगाया, न टास्क से बस होने लगा डिपार्टमेंट की। आज की डेट में मुझे जब ये मेरी माताएं बहनें इधर प्रोटेस्ट पे आई, फिर मुझे फ़ोन किया, इन्होंने कॉल किया कि मैं भी इमीडिएट पहुंचा इधर पे। बहुत प्रॉब्लम थी इनकी, जो ये हमारा हरिजन बस्ती है, नागनी वगैरह, ये कदर सामना वाला एरिया जितना भी है, ये बिल्कुल डेड पड़ा है। 2 साल से खेत खोदे हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं है। और एक बात है सर, जितने भी 2-3 मुलाजम लगाए गए नहीं, उनका काम है सिर्फ लोगों के साथ पैसे करना। यहाँ पे कंप्लेंट की लोगों ने मुझे कि ये जी पैसे ले रहे हैं, उन्होंने लिख के दिया सरपंच को कि ये जी पैसे ले रहे हैं। उसके बाद मैंने एक्सी साहब को फॉरवर्ड का अपने लेटर पैड पर लिख के दिया कि ये जी ऐसे 1.5 महीना हो गया कोई सुनवाई नहीं है। इस वक्त इन्होंने बोला कि उनको आप शिफ्ट करें, और जो जितनी भी डिमांडें हमारी थी वो एक्सिन साहब ने अभी 2 या 3 दिन के लिए बोला कि मैं मसला हल कर दूंगा सारा। जैसा कि यहाँ देखा गया, ये भी देखा गया कि यहाँ पे आपके पास जो है पी एच ई का कोई एम्प्लॉई नहीं था, ये स्टाफ वगैरह कौन खोल रहा था सर? ये सर पी एच ई का एम्प्लॉई बिल्कुल मेरी इस ये जो एरिया है, बाकी ऊपर कोंद है, बीमार नाग है, याद है, वहाँ पे एक स्टाफ के ऊपर 2-2 मुलाजिम है, 13 मुलाजिम है मेरे इस पंचायत में। मेरे इस एरिया में अभी तक मेरे एक भी मुलाजिम ने देखा कि पानी बांधे, किसको फ़ोन करूं, पानी नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं। आज की डेट में इन्होंने 2 मुलाजिमों का बोलते हैं, क्या पता करें ना करें, यहाँ पे क्या लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं चंद एक दो बंदे, ये डिपार्टमेंट के ही बंदे हैं। मेरी अर्ज़ ये है कि उनको फौरन जल्द से जल्द, अगर हमने अपनी सेफ्टी रखनी है, मेरे आज बताए हालात क्या है, उनको शिफ्ट करके फौरन जल्दी से जल्दी करके 2 दिन का टाइम है हमारा, 2 दिन के टाइम के अंदर अंदर हमारा काम सारी जितना भी एरिया है उनको मिल रहा है। माता जी भी हम इनसे ही बात करते हैं, क्या बात हुई आपकी, एग्जाम ने क्या आपको आश्वासन दिया और कब से आपको जो है पानी की दिक्कत हो रही है? हमारे पास यही आश्वासन दिया इन्होंने कि हम कल से कार्रवाई शुरू करेंगे, अगर कल से यहाँ पे कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई हमें जो करना है वो हम अपनी तरीके से फिर करेंगे, या तो ये यहाँ पे आदमी उस पर जगह पे लगाए, हमारे पास ना फीटर है ना कुछ है, हम क्या लोगों को बोल रहे हैं कि नहीं ये स्टाफ तोड़ दे, हम खुद अपने स्टाफ थोड़ा खुद तोड़ेंगे, इसका ये मतलब थोड़ा है। लेकिन इन्होंने आश्वासन ये दिया है कि हम कल से कार्रवाई शुरू करेंगे, अगर कार्रवाई 2 दिन के अंदर अंदर इन्होंने नहीं किया उसके बाद हम खुद कार्रवाई शुरू करेंगे। शुक्रिया आपका। तो बाकी की अपडेट्स के लिए आप देखिए।